ऐसा हालत का है, उल्टा पुल्टा चीज नहीं खाता है ना। हाँ मूंग सुंग लो, ठीक है खा ले। हाँ चलो खाने दे भाई। हाँ हम जानते हैं, ऐसे अशोकनगर सैर सैर बोले छे अशोकनगर जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। ये भाई साहब तब से मुझे टक्कर देने का कोशिश कर रहा है। हेल्प कर लो हमारे नवाद भाई, हमारे मुन्नी के रेखे छे एखने सेफ्टी ते। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुपर बाइक मोइन। सो फ्रेंड्स कैसे हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। सो अभी आज आप सबसे एक डिस्कस करना है, आज लेने वाला है आपका भाई चैलेंज। तो मैं सोच रहा था बहुत दिन से, मेरा चैनल को उम्र तो बहुत दिन का है लेकिन उतना सब्सक्राइबर नहीं है, दुख का बहुत दुख का विषय है ये। तो मैं चाह रहा हूँ इस चैनल में धड़ाधड़ वीडियो अपलोड हो और उसके लिए लेने पड़ रहा है मुझे चैलेंज। तो मैं ज़्यादा नहीं 30 डेज का चैलेंज ले रहा हूँ और आपसे वादा कर रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा ये 30 डेज में 30 वीडियो अपलोड करूँ आप सबके लिए। सो आपका भी सपोर्ट मुझे चाहिए भाई, आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लेने वाला हूँ चैलेंज और आज है पहला वीडियो और बहुत सारा वीडियो आने वाला है। तो देखिए, इंजॉय कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट का बिना कुछ नहीं होगा भाई। तो बहुत दिन से सोच रहा था ऐसे कुछ चैलेंज लूँ तो हो रहा नहीं था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। अभी मैं सोच रहा हूँ नहीं, मुझे ये लेने पड़ेगा। और बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स मेरा सब्सक्राइबर कह रहा है जो लो ऐसा चैलेंज लो, तो मैं ले लिया और चलो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन कोशिश तो करेंगे। लाइफ में बहुत कोशिश करने पड़ता है, लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो ले लिया मैंने ये रिस्क, चलो। एरिया में तो भरपूर रिएक्शन, जब भी निकलो चारों तरफ से रिएक्शन। इसका साउंड सुन के ही सबको समझ में आ जाता है मैं बाहर निकला हूँ आज। ओ अभी गेट बंद क्यों, अभी तो ट्रेन नहीं चल रहा है। हा? चल भाई आसी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो भाई कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चलाओ इस चैलेंज को पूरा कैसे करूँ। चलो आपको आपका साथ रहेगा तो ज़रूर पूरा हो जाएगा। कोशिश तो मैं दिल जान से करूँगा, मैं चाह रहा हूँ मेरा चैनल आगे बढ़े और इसके लिए चैलेंज मुझे लेने पड़ा। सो अभी जा रहे डल्लब, मुझे उधर कुछ काम है। मुन्नी को निकाला और व्लॉगिंग सेटअप पे आ गया और आज का ब्लॉग चालू कर लिया। आप सोच रहे इतना दिन से ये चैलेंज क्यों नहीं लिया, अभी क्यों? सो इसका भी रीज़न है, ये भी चलते चलते ही बताएंगे आपको। तो वीडियो फास्ट टू लास्ट देखिए, इन्जॉय कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक करना, भाई का सपोर्ट करना। सो मेरा चैनल का अभी एज है 3 इयर्स, लेकिन मैं मिडिल में है ना 3 महीना मैं वीडियो नहीं डाल सका, बहुत कारण था। सो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी वो तीन महीना मैं वीडियो अपलोड नहीं किया तो उसके लिए मेरा रीच होना बंद हो गया है वीडियो, और मेरा भी 27K हो गया है।
मैंने बहुत कोशिश किया और अभी कोशिश कर रहा हूँ, व्यूज़ ज़्यादा आया वीडियो में। तो मैंने बहुत सारा यूट्यूबर से पूछा, तो उन सब का कहना एक ही है, जो आप एक काम करो, अभी वीडियो कंटिन्यू देते जाओ। तो मैं सोचा चलो एक चैलेंज ले लेता हूँ, एक महीना का 30 दिन का चैलेंज, जो मैं 30 दिन में 30 वीडियो अपलोड करूँगा। ये मैं चैलेंज ले लिया और मैं इसको निभाऊंगा, जी जान से निभाऊंगा। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, आप सब सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और देखते हैं, एक महीना का अगर ये 30 दिन का 30 ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया और मैं अपना इरादा में पक्का हो गया, तो देखते कितना सब्सक्राइबर मेरा डेवलप होता है। रीज़न यही था, इसीलिए मैं इतना दिन बाद ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। और वीडियो अभी डेली आएगा, आप डेली इन्जॉय लो और भाई सपोर्ट करो मुझे। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सो फ्रेंड्स, ये चैलेंज जो मैं एक्सेप्ट किया हूँ, ये अगर पूरा हो गया फ्रेंड्स, तो जाहिर से एक बात है, जो अगर अच्छा ये बना और इसमें मेरा फ़ायदा हुआ, तो आप भी इसको कंटिन्यू कर सकोगे। जो मेरा ब्लॉगर्स भाई लोग हैं, उन लोगों को भी कुछ इससे आइडिया मिलेगा, तो कुछ अलग सा करने का सोचेगा। तो मैं इसी कोशिश में लगा रहूँगा जो सबका फायदा हो। ओ भाई, इतना सिग्नल, क्या बताए, 1 किलोमीटर दूर दूर एक सिग्नल, कैसे पहुँचेंगे? और जल्दी से मुझे रिटर्न भी आना है, क्योंकि शाम का टाइम ऐसे ही है और अभी 5 बज गया है। तो मैं चाह रहा हूँ मगरिब का आगे मैं घर पहुँच जाऊँ। वाह, बहुत अच्छा बाइक चला रहा है ये भाई साहब, तब से मुझे टक्कर देने का कोशिश कर रहा है। चलो उनका कोशिश है, उनको करने दो। ऐसे ही आपको सिग्नल में जब भी आप खड़ा रहिएगा ना, 5-7-10 बाइक आ जाएगा, तो सोचेगा सब रेस ट्रैक में हो, और जब सिग्नल आउट हुआ तो रेस चालू। सो फिलहाल मैं एक बियरिंग होता है, वो बियरिंग के लिए ही जा रहा हूँ। मेरा अपना वर्कशॉप का एक ख़ास चीज़ जो है टूट गया, इसके लिए काम बंद हो गया है। सो अभी वो उसी बियरिंग के लिए मैं डल्लभ जा रहा हूँ, और वो आ गया सामने में। चलो मैं तो डल्लभ पहुँच गया, लेकिन मुझे पूछने पड़ेगा, देखते हैं ये भैया से पूछते हैं। भाई ने बताया अशोकगढ़ सामने है, तो चलिए अशोकगढ़ जाते हैं। आज तो ढूंढ के निकालेंगे इसको, क्योंकि काम का सिलसिले में मैं बहुत आगे रहता हूँ। चलो अभी आज रात भी हो जाएगा तो मैं ये बियरिंग लेके ही जाऊंगा। भाई अशोकगढ़ तक होता है, अशोकगढ़ एदिक दिए ब्रिजे एदिक जेते हबे, एदिक दिए तो नो एंट्री। हाँ হ্যাঁ 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 অসুবিধা হবে না এখান থেকে বিল্ডিং কা ঠিক উস পার। চলো ভাই নে হেল্প কিয়া, থ্যাংকস ভাই। ভাইকে জিজ্ঞেস করেছি অশোকনগর এই গলিতে যেতে হবে, তো ওই জন্য অশোকগড়।
पुलिस रोक दिया था मुझे, अभी टाइम खराब चल रहा है। ए भाई এখানে বিয়ারিং এর দোকান কোথায় আছে রে? ওইটা যাওয়া যাবে তো দিক দিয়ে? এইটা এইটা এখানে রাখি, তুই আছিস তো? চলো। एक भाई मुझे मिला और मैं बाइक रख दिया उसका सेफ्टी में और चलो जाते हैं वियरिंग का दुकान, इधर ही है। सो फाइनली मुझे मिल गया, इसके लिए मुझे आने पड़ा, ये मेरा मशीन का टूट गया था तो एक तो मैंने ले लिया और एक एक्स्ट्रा ले लिया। चलो चलो भाई, नावेद भाई हेल्प कर लो, नावेद भाई हमारे मुन्नी के रेखे एखे सेफ्टी थे। चलो भाई बाय बाय भाई। हर एक फ्रेंड्स जरूरी होता है, हर जगह जाओ फ्रेंड्स बनाओ और देखो कहीं आपको कोई ना कोई फ्रेंड्स मिल ही जाएगा, मुसीबत हो या कहीं भी हो, इंजॉय का टाइम में फ्रेंड्स रहना चाहिए हर टाइम। सो मैं पहुंच गया टीटागढ़ और इधर से मैं एक चीज़ लूँगा, वो मेरा वाइफ के लिए गिफ्ट होगा क्योंकि मेरा वाइफ का भी एक चैनल है रुमाना टेस्टी वर्ल्ड, बहुत अच्छा अच्छा खाना पकाती है तो मुझे ज़्यादातर दाल पसंद है और मैंने सोचा चलो आज एक गिफ्ट दूंगा उसका चैनल में, ये काम में आ जाएगा तो इससे वो खुश हो जाएगी और मुझे कल अच्छा से दाल तड़का बना के देगी। तो आप ज़रूर देखिए उसका चैनल और रुमाना टेस्टी वर्ल्ड, बहुत अच्छा खाना पकाती है, कभी मैं इसका जिक्र नहीं किया। हाँ, और इससे तड़का लगता है, मैं पूरा पसीना पसीना हो गया, अभी हेलमेट खोल के रखा और ये मैं ले रहा उसके लिए और चलो कल मुझे दाल मिलेगा अच्छा से तो इसको ले लेता हूँ और उसको सरप्राइज दे दूँगा आज जाके। सो फाइनली मुझे मिल गया तड़का लगाने का, क्या इसको बोलता, पात्र। बहुत गर्मी, भाई का पास जूस पीते आज। मिलेगा एक जूस दो, मेरा फोटो आ जा रहा है। आपका भी फोटो आ जा रहा है, चलो एक जूस दे दो, कुछ भी दे दो, कोक कोक। अबे सुन सुन, ऐसा हालत का है, उल्टा पुल्टा चीज नहीं खाता है ना? हाँ मूंग सुंग लो, ठीक है पूरी खा ले, फोटो खाएगा, चार खा सकेगा ना, चार पूरी दे दो तो भाई। कितना दाम है? 12। हेलो 12 रुपया? हाँ है, ले लीजिए, दे दीजिए इसको। हाँ पूरी दीजिएगा, हाँ हाँ पूरी दीजिए, पूरी खाएगा तो ठीक है, भूख लगा है बोला, ठीक है खा ले। हाँ जा चलो भाई, क्या बोलिए, क्या बोलिए बोला है, चलो खाने दे भाई। हाँ हम जानते हैं, इसीलिए तो पैसा नहीं दिया, पूरी खाया, चलो बहुत अच्छा है। बच्चा बच्चा भी वो बहुत बड़ा बड़ा नशा करता है, ड्रीम राइड ये सब, बच्चा ज़्यादा उम्र नहीं है, 14 साल 15 साल का अंदर ही होगा, लेकिन इतना नशा करता है इस एरिया में, क्या बताए, डेंड्राइट और क्या क्या पता नहीं है। उसका मुंह देख रहे हैं आप कैसा काला हो गया है, सो इसीलिए मैं उसको हाथ में पैसा नहीं दिया, बोलो चल
पूड़ी खाना है तो खा ले, क्योंकि हाथ में पैसा देने से ही वो गलत चीज़ खरीदेगा और खाएगा। कभी आप किसी को, कोई बच्चा को हाथ में रुपया पैसा कुछ ना दो, कुछ खरीद के दे दो, वो खाएगा, वो सबसे सही है। सो फिर से एक बार फ्रेंड्स, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो भाई रखते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।